सो हम लोग जो बात कर रहे थे कल ओवरहेड्स की, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन। कैन यू सी माय स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो कल हमने यहाँ से, यस मैम। ओके गुड। सो यस्टरडे वी स्टार्टेड विद ओवरहेड्स, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एलोकेशन क्या है, अपॉर्चुनमेंट क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इसको करने के, क्या क्या बेसिस हैं इसको करने के, वो हमने डिस्कस किया था। और फिर मैम फोटो क्लियर नहीं आ रही। अच्छा अभी आएगी, थोड़ा सा वेट करो और नेटवर्क ठीक चेक करो अपना। बाकियों को क्लियर आ रही है फोटो? यस मैम। हाँ आ रही है। यस मैम बिल्कुल यस क्लियर आ रही मैम। है। यस एचडी। मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है इलस्ट्रेशन भी हमने डिस्कस किया था, है ना। और आज हम बात करेंगे रीअपोर्शनमेंट की। हमने रीअपोर्शनमेंट डिस्कस किया था थोड़ा सा, यस मैम। और इसका न्यूमेरिकल भी देखा था ना हमने। अब यस हम मैम। यहां से करना है हमको, राइट, कि अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट, राइट। इससे पहले का हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं। यहां तक कहीं किसी ने कुछ पढ़ा हो, किसी को कुछ डाउट हो, देन यू कैन आस्क मी। मैम डाउट तो नहीं है। मैम क्लियर हो गए वेरी डाउट। गुड, ठीक है। प्रैक्टिस करके देखा, दो तीन क्वेश्चंस की थ्योरी पढ़ के देखी आप लोगों ने? यस मैम थोड़ी बहुत। ठीक है, और अच्छे से आज कर लेना। यस मैम करी थी घर पे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को, कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जो उनके चार्जेस हैं वो हम उनको दूसरे को देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, एक कंपनी में पावर हाउस है, ठीक है। अब पावर हाउस जो है वो रिपेयर डिपार्टमेंट को भी पावर दे रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी पावर दे रहा है, और रिपेयर डिपार्टमेंट जो भी पावर हाउस में रिपेयर होती है उसको भी करता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी करता है, तो दोनों के जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को बियर करने पड़ेंगे। पावर हाउस जो है वो रिपेयर डिपार्टमेंट के चार्जेस को बियर करेगा, और रिपेयर डिपार्टमेंट जो है वो पावर हाउस को। इसको बोलते हैं हम इंटर सर्विस डिपार्टमेंटल अपोर्शनमेंट। अब इसको करने के तीन मेथड्स हैं, एक है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, एक है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और एक है स्टेप लैडर मेथड। हम तीनों को एक एक करके देखेंगे कि तीनों में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। जैसे जो हम एल्जेब्रिक इक्वेशन, इसको एल्जेब्रिक मेथड भी बोलते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो टोटल ओवरहेड की कॉस्ट होती है सर्विस डिपार्टमेंट को, उसको एक फॉर्मूला में, एक इक्वेशन में ले आते हैं, और ये देखकर कि कहाँ कितना किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है परसेंटेज वाइज, ठीक है। और फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और फिर हमारे पास निकल आते हैं कि ओवरहेड कॉस्ट हर एक डिपार्टमेंट की कितनी होगी, और फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट होती है उसको फिर प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में रेशियो जो दिया होता है उसके हिसाब से बांट देते हैं। तो इसमें थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा है, तो ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं जहां पे दो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं। तो हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, हमें न्यूमेरिकल से ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, एक फैक्ट्री है, उसके तीन तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए बी सी, और दो सर्विस डिपार्टमेंट है एल और एम। जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं इन कंपनीज के, इन डिपार्टमेंट्स के, वो क्या है, ए का है 16 लाख, बी का 14 लाख, सी का 10 लाख, एल का 4,68,000, और एम का 6 लाख। जो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है, ये पांचों एक्सपेंसेस, पांचों डिपार्टमेंट्स के खर्चे हैं, ओवरहेड्स हैं। अब इनको हमें क्या करना है, इनको हमें बांटना है। तो कैसे बटेगा, सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो बटने हैं बेसिकली। प्रोडक्शन तो क्योंकि आगे प्रोडक्शन करेगा, सेल करेगा, उसका अपना खर्चा वहां से कवर होगा, लेकिन ना तो ये सर्विस डिपार्टमेंट होने की वजह से इनकी अपनी सेल नहीं है, तो ये अपने खर्चे कहाँ से निकालेंगे, जिनको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से निकालेंगे। तो एल डिपार्टमेंट जो है उसका क्या रेशियो है कि वो सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है, वो बाकी चारों को सर्विस प्रोवाइड करेगा, खुद को थोड़ा ना करेगा, चारों को करेगा। तो ए बी सी और एम, और जो एम डिपार्टमेंट है वो बाकी चारों को कर रहा है 30-30, 20-20, ना
ये इसका परसेंटेज है, इस परसेंटेज के बेस पे ही हम इक्वेशन बनाएंगे मैथमेटिकली, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनमें इन सर्विस डिपार्टमेंट्स के जो ओवरहेड्स हैं उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल ओवरहेड है हमारे सर्विस डिपार्टमेंट के 4,68,000 प्लस, है ना, ये टोटल है इसका खुद का, ये 4,68,000 प्लस 20% ऑफ एम, और एम का टोटल कितना है अपना 6 लाख प्लस एल का 10%, ठीक है। तो हमने ये बोला कि मान लो एक्स डिपार्टमेंट जो है, एक्स जो है वो टोटल ओवरहेड्स है एल का, और वाई जो है वो टोटल ओवरहेड्स है एम का। तो हमने क्या, कैसे इसको इक्वेशन में कैसे रखा, एक्स इज इक्वल टू 4,68,000 प्लस 0.2 वाई, है ना, इसका एम वाले का, और वाई में क्या रखा हमने 6 लाख प्लस 0.1 एक्स। इसको हमने सॉल्व किया जैसे हम बचपन में सॉल्व करते थे एल्जेब्रिक इक्वेशंस को। आई होप आप सबको ये सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता है तो यस सीख लीजिए। 10 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स माइनस 2 वाई यहाँ आ गया, है ना। इस इक्वेशन को हम, अगर हम किसी भी चीज से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे किया और इसको सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। इस मेथड में किसी को कोई डाउट? नो मैम लेकिन नो ये मैम कभी सक्सेसफुल है नो जब, मैम ओके गुड, दो डिपार्टमेंट्स हो। तो हमारे पास एल के ओवरहेड्स भी निकल के आ गए 6 लाख, और वाई के ओवरहेड्स भी निकल के आ गए 6,60,000। तो अब हमने यहाँ पे वही टेबल बनाई जो हम टेबल बनाते हैं, तो टेबल बनाई तो हमने यहाँ पे इसको दिखा दिए सारे ओवरहेड्स, और एल का जो ओवरहेड था उसको हमने अपोर्शन किया उसकी परसेंटेज में, और वाई का जो था उसको भी, एम का जो था उसको भी अपोर्शन कर दिया, और दोनों ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि हमने इनको जब हम कैलकुलेट करे थे तभी हमने इनको कंसीडर कर लिया था, और सारा के सारा जो दोनों के एक्सपेंसेस थे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सो दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। जब आपके पास दो डिपार्टमेंट है तो आप इस मेथड को लगा सकते हो, एल्जेब्रिक मेथड भी इसको बोलते हैं, ठीक है, कर लेंगे। यस मैम ओके यस मैम ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं विच इज कॉल्ड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। इसको दूसरा नाम है इसका साइकल्स मेथड, उसका जैसे नाम था एल्जेब्रिक मेथड इक्वेशन वाले का, इसका है साइकल्स मेथड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बार बार उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे वहां पे तो हमने पहले ही पूरा कंसिडर कर लिया था कि इसका 10% भी आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या, जितना आता जाता है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले सर्विस डिपार्टमेंट जो है उसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब उसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ पोर्शन जो है वो सेकंड वाले में चला जाएगा, फिर सेकंड वाले का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ पोर्शन जो है उसका पहले वाले में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम उसका प्राइमरी एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और लास्ट में जो थोड़ा सा अमाउंट बचता है उसको हम दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब ये इनका टोटल कॉस्ट ट्रांसफर हो जाएगी तो वो एक अपॉर्चुनमेंट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे पास दो सर्विस डिपार्टमेंट है पी एंड क्यू, और तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए बी और सी। इन जून 2003 हमारे ये एक्सपेंसेस आए हैं तीन पांचों डिपार्टमेंट्स के, और जो इसका रेशियो है वो है 30-40-15 और 15 क्यू में, और क्यू का रेशियो है 40-30-25 और 5-5। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन आपको मेथड जो यूज करना है वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि ये बार बार डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब करना क्या है, पहले हमने किया, जैसे पहला हमारा है पी का 80,000 रुपीज है, ठीक है। तो हमने 80,000 को उन्होंने बताया हमें 30-40-15-15, तो 30-40-15 और यहाँ पे 15, यहाँ तो पूरा माइनस हो गया 80,000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पे 12,000 आ गया, तो ये टोटल हो गया 1,12,000। अब क्यू का जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 40-30-25 होगा, और लेकिन अमाउंट विल बी नॉट 1 लाख, इट विल बी 1,12,000। इस 1,12,000 को हमने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ऑल्दो ये यहाँ पे जीरो हो चुका था, लेकिन क्योंकि ये 5,600 आया तो यहाँ पे 5,600 आ गया। फिर से एक बार और करेंगे, ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया, अब ये 5,600 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है,
अब ऑल दो क्यू जीरो हो चुका था, लेकिन क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो तो 840 रुपीज और आ गया। अब 840 रुपीज को थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में फिर से हमने डिवाइड करना है। तो जब उसको डिवाइड करा तो वो डिवाइड करते करते पी का हमारा यहाँ पे 6 आ गया, और उस 6 को उसको हमने इनको ही दे दिया, इसको कुछ नहीं दिया क्योंकि वो इट वॉज वेरी नॉमिनल, पैसे में जा रहा था ये। तो यहाँ हमने इसको दे, तो इस तरीके से बार 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 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो अल्टीमेटली बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू हो जाती है। इसको बोलते हैं हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। समझ पे आया आपको? एनी यस मैम, डाउट? नो मैम। ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड स्टेप लैडर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो स्टेप लैडर मेथड कहलाता है। इसमें हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो अपोर्शनमेंट करते रहेंगे उसको हम, जहां पे हमारे पास दो से ज्यादा सर्विस कॉस्ट सेंटर होते हैं उसको हम जितना, जो ज्यादा सर्विस दे रहा है उसको ऊपर रख देते हैं, जो कम सर्विस दे रहा है उसको नीचे रख देते हैं। स्टेप लेडर है ना, तो लेडर बना देते हैं। ठीक है, कैसे इसको न्यूमेरिकली देखते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो हम ये दिखाते हैं कि इसमें नेट वैल्यू, इसका एक जो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं, तो बेस्ट जो सर्विस डिपार्टमेंट है, नेक्स्ट बेस्ट यानी कि जो सबसे ज्यादा हमें सर्विस दे रहा है उसको हम पहले उसका शेयर दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, उस वो फिनिश हो जाएगा और फिर दूसरे वाले को जो नेक्स्ट आता है फिर उसको देते हैं, और हम निकाल देते हैं नेट वैल्यू ऑफ सरेंडर। यू विल नोट डाउन दिस फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूला को नोट करिए। नेट वैल्यू ऑफ सर्विस रेंडर्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सर्विस रेंडर्ड टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट एंड वैल्यू ऑफ सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम अदर सर्विस डिपार्टमेंट। यानी कि जैसे अगर हम पी की बात करें, मान लो एक सर्विस डिपार्टमेंट है पी, तो पी जितनी सर्विस दूसरों से ले रहा है उसको माइनस कर देगा और जितनी सर्विस दे रहा है उसको प्लस कर देगा, है ना, उसमें से माइनस कर दे। मैं आपसे, इट इज लाइक कि एडजस्टमेंट कर दी, मैंने आपसे 100 रुपए लिए, आपने मुझे और मुझे देने थे आपको 20 रुपए, तो नेट हमारी जो हो गया वो 80 रुपीज हो गया ना। मैंने आपको 100 देने, आपने मुझको 20 देने, तो नेट इज आई हैव टू गिव यू 80। इट्स लाइक दैट। तो सर्विस डिपार्टमेंट बोलते जब हम आपस में इस तरीके से कर रहे हैं तो हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो वो एडजस्टमेंट जो है वो कैसे होती है, इस फॉर्मूला के बेस पे होती है। इससे क्या होता है कि इसमें जल्दी काम हो जाता है क्योंकि हम नेट वैल्यू निकाल लेते हैं ना। लेकिन अगर हम किसी वैल्यू को छोड़ दें, कोई इग्नोर हो जाए हमारा कोई कॉस्ट सेंटर, तो उसकी वैल्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी। मान लो कहीं ये इंट्रैक्शन नहीं है, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल से समझते हैं। एक कंपनी है जिसके दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और तीन सर्विस डिपार्टमेंट है, ए बी एंड एक्स वाई जेड। जुलाई 2003 में क्या हुआ, हमारे ओवरहेड्स कैसे आए हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के तो ए और बी के आ गए और सर्विस डिपार्टमेंट के अपने आ गए। अब इनका जो एक्सपेंस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 40-30-20-10, क्योंकि एक्स जो है वो चारों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वाई जो है वो तीन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, 40-40, और सिर्फ जेड को दे रहा है, और जो जेड डिपार्टमेंट है वो किसी सर्विस को नहीं देता, किसी को नहीं देता। तो अब हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स निकालने के लिए, यहाँ पे इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिए हुए कि डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स कितने हैं, पहले सर्विस डिपार्टमेंट लिखते हैं फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिखते हैं। सबसे जो ज्यादा खर्चा हो रहा है वो एक्स का कर रहा है, X7500 ना, तो पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक्स का हो जाएगा। और -7500 हमने किया और बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एक्स का पूरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। फिर वाई का देखा, फिर वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और लास्ट में हमने जेड का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके से हम एक एक करके उनको, जो ज्यादा वाला है उसको पहले किया और जिसकी कम है उसको बाद में किया। एक बार फिर समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने 7500 किया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस परसेंटेज में होगा, आप में से कोई बताए, बताइए। एक्स डिपार्टमेंट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है, 40% ए को
30% बी को, 20% जो है वो वाई को, और 10% जो है वो जेड को। तो ये यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है, कैन यू सी दिस? यस मैम। ठीक है, फिर जब यहाँ पे ये 6,000 था और 1,500 और आ गया, तो इसके पास भी 7,500 हो गया। तो फिर हमने वाई का जब डिस्ट्रीब्यूशन किया तो अमाउंट जो हो गया वो 7,500 ही हुआ, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 48% ए को गया है, 40% जो है वो बी को गया है, और 12% जो है वो जेड को गया है। ठीक है, अब जेड वाले के पास उसने तीनों का जो 4,500 उसके खुद के थे, एक्स के 750 और वाई के 900, इन तीनों को ऐड कर दिया तो 6,150 आ गया। अब इस 6,150 को डिस्ट्रीब्यूट किया 60% और 40% में, तो 60% ए को चला गया और यहाँ पे भी। तो बेसिकली क्या हुआ, ये तीनों सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स थे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को अपोर्शन हो गए। राइट, इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? यस कहीं कोई मैम। डाउट? नो मैम। ठीक है, तो आप कुछ होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, आप इसके जो न्यूमेरिकल है ये वाला, ये आप खुद ट्राई करिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स के बारे में। अब क्या हुआ, हमने एलोकेट तो कर दिया, लेकिन चार्ज कैसे होगा? वो एक्सपेंसेस जो होंगे वो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट हो गए कि उसके सर्विस सैलरी है, लेकिन पर यूनिट कैसे चार्ज होगा, वो कैसे एब्जॉर्ब होगा, शेयर ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस जो उसको मिल गए हैं उसका मतलब क्या क्या चीजें उसके पास है, एक तो उसके खुद के एक्सपेंसेस, फिर उसको कॉमन एक्सपेंसेस का शेयर मिला, फिर उसको सर्विस डिपार्टमेंट का शेयर मिला, है ना? एक तो कोई भी डिपार्टमेंट उसके खुद के खर्चे हैं, फिर उसको कॉमन एक्सपेंसेस मिल रहे हैं जो हमने एलोकेट किए थे, और फिर उसके बाद यहाँ पे उसको हमने अपोर्शनमेंट से, और जो अगर री अपोर्शनमेंट हो गया तो दोबारा से। तो इसको हमने एक तरीके से ये सब करके हम टोटल अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स जो है, जो एक डिपार्टमेंट का है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्युमुलेटेड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अमंगस्ट इट्स कॉस्ट यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। हमने तीनों टर्म्स को समझा, एलोकेशन तो सीधे सीधा बांटना हो गया, हमें पता चल रहा है किसका क्या है, अपोर्शनमेंट में हमने बहुत सारे मेथड्स देखे जहाँ पे क्लियर बेसिस नहीं था, वी हैव टू डिवाइज सम बेस, है ना? और लास्ट में पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए, या पर जॉब, पर प्रोडक्शन, पर लॉट, पर प्रोसेस, ऐसे कॉस्ट निकालने, उसकी रिकवरी करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं हम, टेक्निक, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा, इसके न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। आपको मैंने थियोरेटिकली इसका कॉन्सेप्ट दिया है, आप इसको पढ़ के आइएगा, और यहाँ तक कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी देन वी विल डिस्कस। एनी डाउट सो फार? यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके, देखिए न्यूमेरिकल जरूर अटेम्प्ट करने हैं, जब आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हो तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है? यस मैम।